कैसे हो आप सभी, आई होप कि सब अच्छी होगी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसी गुड न्यूज़ रिवील करना चाहती हूँ जिसे सुन के आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे। मैं बहुत टाइम से ये गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, पर मैंने शेयर नहीं करी। मैं मम्मी लोगों के मतलब पूछने का वेट कर रही थी, मतलब उनसे पूछने का वेट कर रही थी वो लोग हाँ बोले या ना बोले। तो मैंने सोचा तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगी करके। तो आज मैंने फाइनली ये वीडियो बना ही दी है। कल कोई व्लॉग नहीं आया था, तो थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही है मेरी आजकल, तो इसीलिए। तो आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा ना कि ये अपने मायके इतना क्यों जाती है। नवंबर में ही गई थी मैं अपने मायके खटीमा 2 महीने के लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो मैं घर उनके साथ आ गई थी, और फिर उसके बाद वो चले गए तो कुछ दिनों बाद फिर से मैं अपने मायके चली गई थी बसंत पंचमी के लिए। फिर मैं 10-15 दिन वहीं रही, और उसके बाद फिर मैं आई अपने घर। तो आप लोगों के मन में भी बहुत क्वेश्चन तो होंगे, क्योंकि मैं क्लियर बताया नहीं था मैंने उन वीडियोज़ में कि मैं क्यों रही इतना है वहाँ। इसीलिए मैं आज ये सब बताने वाली हूँ आपको मैं क्यों रही थी। तो मैं इसलिए रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो चेकअप वगैरह करवाने थे थोड़ा, क्योंकि वहीं सही रहता है। मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ उतना नहीं है, तो मैंने सोचा कि वहीं दिखाया जाए खुद को। तो मैंने वहीं चेकअप करवाए थे अपने। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे हस्बैंड भी शायद आने वाले हैं, शायद मैं उनके साथ क्वार्टर जाने वाली हूँ। तो अभी कुछ पक्का पता नहीं है, तो देखो क्या होता है क्वार्टर जाने का। घर वाले तो भेज ही रहे हैं, अब देखो उनके साथ मतलब क्या होता है। तो ये थी गुड न्यूज़, देखो अब क्या होता है फिर। और जो मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, तो आप लोग भी वेट कर रहे होगे कि ये क्या हुआ है, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी। अप्रैल फुल बना दिया है मैंने आप लोगों को। और मैं क्वार्टर वाटर भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सॉरी फॉर अप्रैल फूल, मैंने आप लोगों का अप्रैल फूल बना दिया है। हंसी इतनी कंट्रोल कर रही थी और ऐसे बोल रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो सॉरी, ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मैं क्वार्टर जाने वाली हूँ, कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। मेरे को पसंद है क्वार्टर जाना, किसको अच्छा नहीं लगता है अपने पति के साथ रहना। फिलहाल मेरे पति ऐसी जगह हैं कि वहाँ मैं जा नहीं सकती हूँ, वो ऊपर पोस्टों में है, मैं वहाँ कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो मैं क्वार्टर नहीं जा रही हूँ। और जो आप लोगों के मन में आ रही थी गुड न्यूज़ की हाँ कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सॉरी और दैट, बाय।